एक बहुत दिलचस्प बहस शुरू हुई है। योगी आदित्यनाथ ने जब ये घोषणा कर दी है कि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगी, नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बनेगी, उसके बाद जो फिल्म सिटी का बॉलीवुड का दबदबा है वो बट जाएगा, टूट जाएगा, बॉलीवुड का रसूख टूट जाएगा, जो घमंड है यहाँ के स्टार खानदानों को वो टूट जाएगा, जो बड़े नेक्सस बने हैं वो टूट जाएगा और रियल टैलेंट बाहर आएगा। दो खेमे बढ़ गए हैं, एक हैं जिनको अपनी सत्ता बनी हुई टूटती हुई दिखाई पड़ रही है, जहाँ मुझे कविता की पंक्तियाँ याद आ रही हैं, उठो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो वो वाला माहौल हो रहा है। और बम्बई में काबा, बम्बई में काबा बॉलीवुड बा, तो वो बॉलीवुड अगर उत्तर प्रदेश में बन जाएगा, बॉलीवुड नहीं फिल्म इंडस्ट्री बन जाएगी, तो एक नया कॉम्पिटिशन आएगा। कंगना ऑलरेडी कह चुकी हैं कि बॉलीवुड तो घमंड है, तेलुगु इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, मगर बॉलीवुड का एक दबदबा बरकरार है, मुंबई ने वो दबदबा बरकरार करके रखा हुआ है। और अब अगर उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी फिल्म नगरी बनती है, इसका सब लोग, रवि किशन, कंगना रनौत, तमाम लोगों ने स्वागत किया है, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो लोग वहाँ से यहाँ तक रोज़गार के लिए आते हैं, बॉम्बे पे स्ट्रेस कम होगा, बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, और दिल्ली में मार्केट बढ़ेगा, दिल्ली में चूँकि दिल्ली हब बनेगा, उत्तर प्रदेश हब बनेगा, तो बहुत लोगों को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश के लोगों का दबदबा बना रहा है, अमिताभ बच्चन से लेकर के तमाम लोगों से लेकर के अभी तक। नॉर्थ के लोगों को बहुत खुशी है इस बात की, इस खबर की, कि योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, मुंबई में ही रहनी चाहिए और मुंबई के बाहर फिल्म इंडस्ट्री का कोई जो है वो नहीं होगा। इस बीच मुझे मनोज वाजपेयी के वो गाने की गीत की पंक्तियाँ याद आ गई, बम्बई में काबा, दो बीघा में घर बा लेकिन सूतल बानी टेम्पू में, दो बीघा में यानी दो बीघे का घर गांव में है लेकिन मुंबई में मैं टेम्पो में सो रहा हूँ, जिंदगी ही अजराइल बाटे नून तेल और शैम्पू में, जिंदगी जो है मेरी फंस कर रह गई है नमक तेल और शैम्पू खरीदने में, एक रुपए का पैकेट जो खरीदते हैं, मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगोते माटी में, जेरा अजवो अटकल बाटे घर के चोखा बाटे, बहुत इमोशनल गाना लिखा है कि मतलब मिट्टी को हाथ लगाता हूँ और अभी भी मेरा दिल जो है वो चोखा बाटी में अटका हुआ, बहुत इमोशनल गाना लिखा हुआ है। तो ये गाने की लाइन, बम्बई में काबा, अब अगर बम्बई में जो बा अगर वो यूपी में भी बा हो जाएगा तो भाई ये तो बाबा का पूरा यहाँ का तो टाइम फेस्ट हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में, हालांकि मैं बॉम्बे में हूँ, बॉम्बे में मैंने जर्नलिज्म किया है, बॉलीवुड में जर्नलिज्म किया है, मगर मुझे सुन के अच्छा लग रहा है कि अगर देश में फिल्म सिटी बनेगी और वाकई ठीक से बनी, ठीक से चली, बहुत बड़ा रोज़गार मिलेगा, एंटरटेनमेंट बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में बना हुआ, एंटरटेनमेंट का माल पूरे विश्व भर में उसकी डिमांड है, खपत है, तो ऐसे में अगर इंडस्ट्री बढ़ती है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखते हैं जो सरदार हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, माफिया हैं, उनका रिएक्शन क्या आता है। आप क्या सोचते हैं, बम्बई में काबा या उत्तर प्रदेश में काबा, ज़रूर बताइए। बने रहिए मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। वैसे हाँ, इस डिबेट में इंपॉर्टेंट है, जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा, क्योंकि आउटसाइडर्स हैं उनको यहाँ पर आकर नेक्सस, अगर वहाँ भी नेक्सस ना बने तो वो भेद पाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहे मेरे साथ।